नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल सक्सेस प्लेस में। इस वीडियो में हम बात करेंगे बैंक निफ्टी और जो हमारा निफ्टी है उसके एक्सपायरी के बारे में, उसके लेवल्स और टारगेट के बारे में। तो जो आज का वीडियो है ये हमारा स्टार्टअप वीडियो है, मतलब सबसे फर्स्ट वीडियो है जहाँ से हम ट्रेडिंग की जर्नी को स्टार्ट करेंगे। जो भी ट्रेडर्स हैं उनके लिए भी अब वीडियो आएगा हमारे चैनल पर, पहले से इन्वेस्टर के लिए आता था, अब दोनों के लिए आएगा। तो जो अच्छे स्टॉक्स है लॉन्ग टर्म के लिए जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, साथ साथ आप जो अगर ऑप्शन में ट्रेड करना सकते हैं किसी भी इंडेक्स जो निफ्टी है और बैंक निफ्टी है इसके, इस इंडेक्स के ऑप्शन में ट्रेड करना चाहते हैं तो जो लेवल्स और टारगेट है उसके बारे में हम इस यहां पर जानेंगे। तो चलिए सबसे पहले यहां पर देख लेते हैं आज जो हमारा मार्केट है वो किस डायरेक्शन में क्लोज हुआ है। तो यहां पर आज तो देख लीजिए जो मार्केट है हमारा, आज मार्केट हमारा यहां पर थोड़ा सा गैप अप ओपन हुआ था, मतलब ऊपर की डायरेक्शन में, लेकिन उतनी तेजी से मतलब नीचे आया और उसके बाद यहां पर देख सकते हैं यहां पर एक बड़ा मतलब वन डायरेक्शन में मार्केट गिरते चला गया और 23,900 के आसपास ये यहाँ पर सपोर्ट ले और यहाँ से फिर देख सकते हैं 24,101 पर मार्केट हमारा क्लोज हुआ है। तो दोस्तों मार्केट जो एक काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल्स पे यहाँ पर देखते हैं, ये प्राइस काफ़ी बार रेसिस्टेंस पहले काम करता था, देखते हैं यहाँ पर दो दो बार रेसिस्टेंस का काम किया, फिर यहाँ पर तीसरी बार भी रेसिस्टेंस का काम किया था 24,000। इस लेवल को जब ब्रेक किया तो यहाँ से एक बड़ा मोमेंटम हमें देखने मिला था, फिर से यहाँ पर मार्केट आया, यहाँ पर 24,000 पे यहाँ पर सपोर्ट लिया था, फिर से यहाँ पर देखते हैं काफ़ी समय तक इस बीच में ट्रेड करता रहा, फिर से यहाँ पर ये मार्केट जो आज फिर से 24,000 पे क्लोज लिया है। तो कल ऊपर अगर खुलता है तो हम इस 24,000 को एक मेजर सपोर्ट के रूप में लेंगे। तो पहला यहाँ पर देखते हैं जो मार्केट है हमारा 24,000 के आसपास काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट लिया है और पहले यही रेसिस्टेंस का काम क्या करता था। तो यहाँ से ऊपर जैसे मार्केट हमारा जाएगा 24,000 मतलब जो 100 है तो 24,150 ऊपर जाएगा तो यहाँ से हम कॉल को बाय कर सकते हैं या पी को हम शॉर्ट कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा 24,150 के हम कॉल को बाय कर सकते हैं या तो पी को शॉर्ट कर सकते हैं। तो धीरे धीरे जानेंगे जो भी नए ट्रेडर्स हैं कॉल क्या होता है, मतलब पुट क्या होता है, कब हम कॉल को बाय कर सकते हैं, कब कॉल को सेल कर सकते हैं, कब पुट को बाय कर सकते हैं, कब पुट को सेल कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो आपका यहाँ पर लेवल्स निकल के आया कि जैसे हमारा 24,150 के ऊपर निकलता है तो हम यहाँ पर जो है कॉल को बाय कर सकते हैं या पुट को शॉर्ट कर सकते हैं। तो उसके बाद यहाँ पर जो हमारा टारगेट होगा, सबसे जो यहाँ पर हम बड़ी टारगेट की बात करें, सबसे पहला टारगेट वो होगा 24,300 के आसपास का, 24,300 के आसपास या कहें 24,250 मतलब 250 तक हमारा ये मोमेंटम दे सकता है। तो जैसे 150 के ऊपर निकलेगा तो 24,250 तक ये जा सकता है हमारा जो बैंक निफ्टी है। तो उसके लिए आप बाय कर सकते हैं कॉल को या पुट को शॉर्ट कर सकते हैं। उसके ऊपर जैसे निकलता है तो आप जो है अपना स्टॉप लॉस को लगा लेंगे, स्टॉप लॉस को ट्रेल करते जाएंगे। अगर ऊपर निकलता है तो स्टॉप लॉस को लगातार ट्रेल करते जाना है। तो कुछ इस तरह से आप ट्रेड कर सकते हैं बैंक निफ्टी ऑप्शन में। अगर हम निफ्टी की बात करें तो जो निफ्टी 50 है उस देखते हैं, निफ्टी 50 भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सपोर्ट पे खड़ा है। या देखते हैं पहले भी ये सपोर्ट यहाँ से लेकर के ऊपर गया था लेकिन यहाँ पर रेसिस्टेंस जो है लगातार फेस कर रहा है बैंक निफ्टी 12,000 के आसपास। देखते हैं 12,020 पर लगातार रेसिस्टेंस ये दिखा रहा है और यहाँ से लगा रेसिस्टेंस लेने के बाद एक बड़ी गिरावट आया था और यहाँ पर भी एक हमारा एक छोटा सा रेसिस्टेंस बन रहा है, वो है 11,970 के आसपास भी हमारा ये रेसिस्टेंस फेस कर, इस रेसिस्टेंस को ब्रेक करता है तो ऊपर सबसे बड़ा मेजर रेसिस्टेंस जो है वह 12,000 है। उसके बाद नीचे सपोर्ट की बात करें तो हमारा जो अभी निफ्टी है वो काफ़ी सपोर्ट पे खड़ा है। देखते हैं यहाँ पर भी पहले भी सपोर्ट लिया था, यहाँ पर भी जब मार्केट यहाँ से ऊपर इस रेसिस्टेंस को तोड़ के निकला तो यहाँ पर सपोर्ट ले रहा था, यहाँ पर फिर से सपोर्ट लिया था। तो यहाँ पर देखते हैं कई बार यहाँ पर फिर से रेसिस्टेंस देख सकते हैं, ये रेसिस्टेंस का काम करता है। जब ये इस लेवल को ब्रेक करता है तो ये सपोर्ट का काम करता है और जब ये मार्केट इसके नीचे हमारा चला जाएगा तो ये रेसिस्टेंस का ये लेवल काम करता है जो है हमारा 11,925 के हैं, 930 के हैं। तो 925-930 हमारा एक रेसिस्टेंस के रूप में और मार्केट ऊपर है तो अभी सपोर्ट के रूप में काम कर रहा है। तो जैसे हमारा 9,040
11,940 के ऊपर निकलेगा तो आप कॉल को बाय कर सकते हैं। वो आपका जो लेवल होगा 970 के लिए, मतलब 960 के लिए के है, मतलब 40 पॉइंट 50 पॉइंट का यहाँ पर आपको मूव इसमें 20 पॉइंट 25 पॉइंट का मूव आपको तेज मोमेंटम इसमें देखने मिल सकता है। तो निफ्टी देखते हैं काफ़ी ज़्यादा साइडवेज रहा है, 100 पॉइंट के रेंज में ही ये लगातार ट्रेड किया है आज भी, जबकि बैंक निफ्टी में काफ़ी ज़्यादा डाउनवर्ड डायरेक्शन में मोमेंटम देखने मिलता, काफ़ी गिरावट देखने मिला, लेकिन बैंक निफ्टी 50 में कोई खास गिरावट देखने नहीं मिला। और अगर नीचे इसमें गिरावट देखने मिलता है तो फिर एक बहुत बड़ी गिरावट आपको देखने मिल सकती है, क्योंकि यहाँ से अगर ब्रेक करता है तो दूसरा जो हमारा रेसिस्टेंस बनेगा, दूसरा मतलब सबसे छोटा रेसिस्टेंस यहाँ से बात करें तो वो बनेगा 11,890 को ब्रेक करता है तो फिर आपको जो अगला टारगेट होगा वो होगा आपको 11,840 का, 850-840 तो ये आपका अगला टारगेट होगा। पहला यहाँ पर सपोर्ट बनेगा 890, दूसरा 850 या कहें 840, तो इसके लिए आप पुट को बाय कर सकते हैं। तो नीचे आता है तो पुट को बाय करना है, ऊपर जाता है तो कॉल को बाय करना है। तो उसके बाद आप इसी चीज को आप जो है ऑप्शन जो हमारा है वो समझ सकते हैं। OI क्या है हमारा? ओपन इंटरेस्ट। ओपन इंटरेस्ट क्या होता है, मतलब कितना हमारा जो है यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन राइट हुआ है तो कितना हमारा वहाँ पर राइटिंग हुआ है उसको समझ सकते हैं, मतलब कितना जो पुट और कॉल राइटिंग है वो ओपन है। ऑर्डर, ऑर्डर अभी एग्जीक्यूट नहीं हुआ, ऑर्डर ओपन है, मतलब ऑर्डर को एग्जीक्यूट होना बाकी है। तो यहाँ पर देखते हैं जो ऑर्डर हमारा ओपन है तो चेंज इन OI, तो चेंज इन OI देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अभी दिखा रहा है इस पोजीशन पे, आपको देखते हैं यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर जो कॉल में चेंज आया है वो आया आपको 2 मिलियन चेंज आया है। और वहीं ऑप्शन में चेंज देखिएगा तो मात्र यहाँ पर ऑप्शन जो पुट है, पुट में वो यहाँ पर कॉल की राइटिंग हुआ इस लेवल पे, कॉल की लगातार राइटिंग हुआ है, जबकि पुट का राइटिंग जो वहाँ कम हुआ है, मतलब वहाँ पर पुट को पुट राइटिंग घटा है, मतलब पुट जो भी था वो हमारा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो चुका है पुट का जो भी है, लेकिन यहाँ पर जो सबसे इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर लगातार राइटिंग हो रहा है, कॉल राइटिंग हो रहा है, मतलब ये एक मेजर रेसिस्टेंस के रूप में काम करने वाला है ये लेवल हमारा, जो 11,900 के ऊपर का लेवल है, जैसा कि हमें आपको दिखाया था 11,900 के ऊपर का लेवल रेसिस्टेंस के रूप में काम कर रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो मेजर कॉल और पुट राइटिंग है, यहाँ पर देखते हैं सबसे ज़्यादा इस पे कॉल राइटिंग है 12,000 के लेवल पर, उससे थोड़ा कम है 11,900 पे कॉल राइटिंग, और इस पे दोनों पुट और कॉल राइटिंग दोनों देखते हैं लगभग बराबर है। तो यहाँ पर देखते हैं पुट राइटिंग जो है हमारा 2.6 मिलियन है, कॉल राइटिंग जो है वो 2.9 मिलियन है, और यहाँ पर सबसे ज़्यादा पुट राइटिंग हुई 11,500 पे, तो ये सबसे बड़ा हमारा सपोर्ट का काम करेगा, और जो कॉल राइटिंग होता है वो रेसिस्टेंस का, तो 12,000 सबसे मेजर रेसिस्टेंस है अगर इस लेवल को ब्रेक करता है तो, दूसरा सबसे बड़ा मेजर डिस्टेंस है 12,100, उसके बाद 12,200। तो आप जो है यहाँ पर OI चेंज से भी पता करते हैं, जो OI का चेंज है मतलब जहाँ सबसे ज़्यादा पैनिक सिचुएशन है या कहें सबसे ज़्यादा राइटिंग हुआ है कॉल का, वो सबसे मेजर डिस्टेंस का काम करेगा, जहाँ सबसे ज़्यादा पुट राइटिंग हुआ वो सबसे मेजर सपोर्ट का काम करेगा। तो इन सारे लेवल्स के द्वारा आप मार्केट के डायरेक्शन को और मार्केट का सपोर्ट और रेसिस्टेंस को पता कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। तो ये पहला वीडियो था, धीरे धीरे हम OI क्या होता है, ओपन इंटरेस्ट क्या होता है, कैसे हम लेवल्स और टारगेट को पता करें, कैसे हम मतलब कॉल को बाय करें, कब पुट को बाय करें, तो सारी चीज़ें हम लाइव आपको मार्केट में दिखाएंगे बाय करके। तो वीडियो को अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल के बेल आइकन को दबा लीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय।